मिडविच कैलिफोर्निया एक बहुत ही शांत टाउन है और यहाँ करने के लिए कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, लेकिन एक दिन अचानक यहाँ कुछ अजीब हो जाता है। वहाँ के लोग टाउन में होने वाले एनुअल फेस्टिवल की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं उस टाउन के सभी लोग एक साथ बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि 10 बजे उस टाउन के बर्ड्स और बाकी जानवर भी बेहोश हो गए थे। कुछ लोग अपने घर में बेहोश पड़े हुए थे, जबकि कुछ लोग रास्तों के बीचों बीच। उसी वक्त माइक नाम का एक आदमी सिटी से बाहर जा रहा था, वो सिटी का बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला था कि तभी वो बेहोश हो जाता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है। ये खबर आसपास के टाउन में आग की तरह फैलने लगती है। पुलिस और फोरेंसिक डॉक्टर्स भी उस टाउन को चेक करने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो लोग भी बेहोश होने लगते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद बाहर के लोगों को पता चलता है कि वो टाउन किसी भी न्यूक्लियर या केमिकल प्लांट से कनेक्टेड नहीं है, जिसका ये मतलब है कि लोगों के बेहोश होने का जो भी कारण है उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे एलन नाम का एक डॉक्टर भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो भी उस टाउन का रहने वाला है। उसे इस बात की चिंता है कि उसकी वाइफ बारबरा उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही है। कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन 4 PM को एकदम से सभी को होश आ जाता है। एलन दौड़ के बारबरा के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हो गया था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, ना ही टाउन में बाकी किसी को। टाउन की स्कूल प्रिंसिपल, जिसका नाम जिल है, माइक की वाइफ भी है। उसे जैसे ही माइक के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है वो पूरी तरह टूट जाती है। कोई भी साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि टाउन के एक साथ बेहोश होने और एक साथ जागने का क्या रीज़न है। कुछ दिन बाद लोग इस इंसिडेंट को भूल के अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि किसी को लोगों के बेहोश होने का रीज़न ही समझ नहीं आया था, इसलिए लोग उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं है। लेकिन तभी एलन नोटिस करता है कि उस टाउन में एक साथ बहुत सी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ रही है। एक औरत जो ना ही मैरिड थी और ना ही किसी को डेट कर रही थी, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके अलावा प्रिंसिपल जिल और एलन की वाइफ बारबरा भी प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ ही हफ्तों के अंदर ही टाउन की सभी औरतें प्रेग्नेंट हो गई थी। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे हो गया। सुजान नाम की एक डॉक्टर जो कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी, उसे टाउन में अचानक हुए प्रेगनेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। वो सभी प्रेग्नेंट औरतों को आके बताती है कि अगर वो लोग अपने बच्चे को जन्म देंगे तो गवर्नमेंट से उन्हें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ज़्यादातर औरतें अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर जब उन्हें पैसों के बारे में पता चला सभी औरतें अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रेडी हो गई। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और सारी औरतें एक ही दिन अपने बच्चों को जन्म देती है। वो सारे बच्चे देखने में एक जैसे ही लग रहे थे, जैसे कि वो सभी भाई बहनों। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी पैदा हुए थे, पर एक बच्चा जिंदा नहीं बच पाया था। डॉक्टर सुजैन मरे हुए बच्चे को अपने साथ कार में ले आती है। फिर सुजैन उस बच्चे को लैब में ले जाके उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है, ताकि उसे उन बच्चों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कुछ महीने तक सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, सभी बच्चे इंसानों के बच्चों जैसा ही बिहेव कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द जिल नोटिस करती है कि उसका बेटा डेविड बड़ी तेज़ी से चीज़ें सीख रहा है। वो जब क्रॉल ही कर रहा था तभी से वो अपने नाम की स्पेलिंग भी बोल सकता था। बारबरा और एलन को भी अपनी बेटी मारा का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। शुरू में तो वो लोग उसे इग्नोर करते हैं, पर एक दिन बारबरा देखती है कि मारा की आंखें ग्लो कर रही है। मारा अपनी माँ को हिप्नोटाइज कर देती है और उसे अपना हाथ बॉइलिंग वाटर में डालने के लिए कहती है, लेकिन उसी वक्त जिल वहाँ आके बारबरा की जान बचा लेती है। कुछ दिन निकल जाते हैं, पर बारबरा अभी तक इस बात को भुला नहीं पाई है। वो इस घटना के लिए अपने आप को ही ब्लेम करने लगती है। उसे लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, इसलिए बारबरा एक दिन जाके एक पहाड़ी से कूद जाती है और अपनी जान ले लेती है। एलन अपनी वाइफ के डेथ के बाद पूरी तरह टूट गया है। उसे पता है कि बारबरा के मौत का मारा से कोई ना कोई कनेक्शन है, पर वो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करता। इस बीच डॉक्टर सुजैन को दिखाया जाता है, जो कि सारे बच्चों पे जम से ही पैनी नज़र रखे हुए है। वो बाकी गवर्नमेंट के लोगों के साथ एक मीटिंग में है, जहां वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि टाउन में रिसेंटली बहुत से एक्सीडेंट्स के केस आ रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि इन बच्चों का इसमें कोई ना कोई हाथ तो ज़रूर है। उन लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि सभी बच्चों की लीडर एलन की बेटी मारा है। उन्हें लगता है कि एलन की बेटी किसी के भी थॉट्स पढ़ सकती है और उसे अपने हिसाब से चला सकती है, पर वो लोग अभी तक ये पूरी तरह प्रूव नहीं कर पाए हैं। बारबरा के मौत के बाद एलन का गवर्नमेंट के रिसर्च प्रोग्राम में पूरी तरह इंटरेस्ट खत्म हो गया है। वो अपनी बेटी के बारे में सच्चाई भी नहीं जानना चाहता, लेकिन डॉक्टर सुजैन को लगता है कि एलन अभी भी इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर सकता है, इसलिए वो एलन को वापस आने के लिए कहती है। और कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं और सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं। 5 साल का होने के बावजूद वो सभी बच्चे बाकी एडल्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो बच्चे हमेशा एक लाइन में ही अपने पार्टनर के साथ चलते हैं। सिर्फ डेविड ही अकेला चलता है, क्योंकि जन्म के वक्त उसकी पार्टनर की मौत हो गई थी। टाउन के लोग उन बच्चों को देख के ही समझ जाते हैं कि वो लोग नॉर्मल नहीं है।
और कोई कभी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन मारा डॉक्टर सुजैन का दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसने मारा के पावर्स को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, जिसके बाद से सभी बच्चे सुजैन से दूर ही रहते हैं। उन सभी बच्चों को मंथली हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स ये देख सके कि उनकी बॉडी में कोई अजीब चेंज तो नहीं हो रहा। एक दिन चेकअप करते वक्त एक लड़की को गलती से आँख में लग जाती है, जिसे देखते हुए मारा उस डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर अच्छा मजा चकाती है, जिस वजह से उस डॉक्टर को दौड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, पर अब वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। इस बात का किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, पर सभी को फिर भी लगता है कि ये उन बच्चों में से ही किसी की हरकत है। जिल अपने बेटे के बारे में सोच के परेशान रहती है, पर फिर भी वो टाउन में होने वाले एक्सीडेंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए वो एलन से कहती है कि वो इन बच्चों को स्कूल के नॉर्मल बच्चों से दूर ही रखे तो अच्छा होगा। एलन जिल से कहता है कि वो इन बच्चों को कुछ भी नया नहीं सिखा सकता, पर जिल उससे आर्ग्यू करती है कि इन बच्चों को इंसानियत सिखानी ही पड़ेगी। जिल से बात करने के बाद एलन मारा के पास जाके अपना हाथ बढ़ाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, पर मारा बिना कोई रिएक्शन के आगे बढ़ जाती है। वो एलन को थोड़ा सा भी अपना नहीं मानती, जो बात एलन नहीं मानना चाहता। रात में जिल डेविड के बाल ब्रश करने की कोशिश करती है, पर वो उसे ऐसा नहीं करने देना चाहता। वो जिल से कहता है कि उसके साथ इमोशनली अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। डेविड उसका दिमाग पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिल अपने लेट हस्बैंड माइक के बारे में सोच रही है। डेविड को उसके साथ अब जाके एक कनेक्शन महसूस होता है, क्योंकि उसने भी जन्म के वक्त अपने पार्टनर को खो दिया था। वो फिर जिल के दिमाग को और गहराई से पढ़ने लगता है, फिर वो दया और प्यार जैसे वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करता है। अगले दिन मारा और उसका ग्रुप हमेशा की तरह लाइन बना के आगे बढ़ रहा था। एकदम से डेविड एक ऐसी चीज़ करता है जो इससे पहले किसी बच्चे ने नहीं की थी। वो मारा के परमिशन के बिना ही लाइन तोड़ देता है। मारा को ये बात अजीब तो लगती है, पर वो डेविड को इस बार कुछ नहीं कहती। फिर डेविड ग्रेवयार्ड में जाके अपने पार्टनर की कब्र ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ डेविड को वो औरत मिलती है जिसका बच्चा जन्म के वक्त ख़त्म हो गया था। वो डेविड और उसके जैसे बाकी सभी बच्चों से नफरत करती है, क्योंकि वो लोग उसे अपने मरे हुए बच्चे की याद दिलाते हैं। वो डेविड को देख बुरा भला सुनाने लगती है, पर डेविड उसका मन पढ़ने लगता है और पहली बार किसी के दर्द को महसूस कर सकता है। बाद में वो एलन से भी मिलता है, जो बाबरा की कब्र के पास आया था। डेविड एलन से कहता है कि वो यहाँ पे अपने पार्टनर की कब्र ढूंढ रहा है। ये सुन के एलन को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि डेविड को किसी ने मरे हुए बच्चे के बारे में बताया ही नहीं था। एलन से बात करते करते डेविड को पता चलता है कि उसने भी अपने किसी बहुत करीब के इंसान को खो दिया है। वो फिर एलन को बेटर फील कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखते ही एलन को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और उसे लगता है कि बाकी स्पेशल बच्चों को भी इमोशंस के बारे में सिखाया जा सकता है। उनका टीचर बनने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन उन बच्चों की पहली क्लास लेता है। उन्हें एनाटॉमी के बारे में पढ़ाते वक्त सभी बच्चे बार बार ये कहने लगते हैं कि आप किसी के मन की बात उसकी आंखों में देख के जान सकते हो। एलन उनसे कहता है कि ये कोई फिलोसॉफी की क्लास नहीं है, पर बच्चे फिर भी एक ही बात दोहराते रहते हैं। एलन ये देख के भी सरप्राइज्ड है कि वो बच्चे जो भी कर रहे थे एक ही टाइम पे कर रहे थे, जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कुछ देर बाद बच्चे रूम में अकेले ही बैठे हुए हैं कि तभी एक ड्रिंक किया हुआ जनरेटर वहाँ आके उनसे ऊटपटांग बातें करने लगता है। वो लोग शुरू में तो उससे कुछ नहीं कहते, पर जैसे ही वो एक बच्चे को टच करता है सभी बच्चों की आँखें ग्लो करने लगती है। उस आदमी को वो सभी हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिस कारण वो ऊपर जाके बाहर खड़ी एक गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। उसने जो स्टिक अपने हाथ में पकड़ी हुई थी उसके पेट में घुस जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन एलन सुजन के पास जाके ये पूछता है कि बच्चों पे वो जो रिसर्च कर रही है उसमें क्या प्रोग्रेस है। सुजन एलन को बताती है कि सिर्फ उनका ही टाउन नहीं है जिसमें कुछ अजीब चल रहा है। वो ये बताती है कि दुनिया भर के बहुत से छोटे गाँव में लोग एकदम से बेहोश हो गए थे और फिर औरतें प्रेग्नेंट हो गई थी। वो फिर एलन को एक सीक्रेट रूम में ले जाके उस बच्चे को दिखाती है जो जन्म के वक्त ही मर गया था। उस मरे हुए बच्चे पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका असली रूप निकल के सामने आ गया है और वो कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन का बच्चा है। सुजैन से मिलने के बाद एलन घर वापस आके देखता है कि मारा अपना सारा सामान पैक कर रही है। वो और बाकी स्पेशल बच्चों ने डिसाइड किया है कि अब वो लोग इस टाउन से दूर कहीं रहना चाहते हैं। मारा एलन को उसके लिए ज़रूरत का सामान लाने के लिए कहती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बांध में ले जाते हैं जहां वो लोग ने जाने की इच्छा रखी थी। पेरेंट्स को डर था कि अगर वो बच्चों की बात नहीं मानते तो पता नहीं वो क्या कर बैठते। अगले ही दिन बिल नाम का एक आदमी अपनी बेटी को बांध से वापस घर ले जाने आता है। वो कहता है कि उसकी बेटी उसके बिना नहीं रह पाएगी, पर स्पेशल बच्चों को उसकी बात पसंद नहीं आ रही।
जब वो बिना अपनी बेटी के घर जाने से मना कर देता है, बच्चे उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिस कारण वो अपनी कार एक फ्यूल टैंक में जाके क्रैश कर देता है। उसी वक्त सुजैन एलन के पास आके उससे कहती है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो पूरे टाउन को बॉम्ब से उड़ाना चाहते हैं ताकि उन बच्चों से छुटकारा मिल सके। वो कहती है कि जल्दी से ज़रूरी सामान लेके निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। एलन दौड़ के बच्चों के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सभी के साथ फ्रेंडली तरीके से रहना सीख जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन मारा उससे कहती है कि तुम अपनी चिंता करो, बाकी बच्चों को मैं संभाल लूँगी। मारा एलन से आगे कहती है कि उनके लिए कुछ और ज़रूरी सामान लेके आए ताकि वो लोग टाउन से और दूर जाके कहीं बस सके। कुछ देर बाद मारा डेविड को रोक के उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है। इससे पहले कि डेविड कुछ कह पाता, वो लोग टाउन के पैस्टर को झाड़ियों में छिपा हुआ देख लेते हैं, जो मारा को गन से ख़त्म करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बच्चे उसे ही ख़त्म कर देते हैं। रात के समय बच्चे लैब में चले जाते हैं और डॉक्टर सुजैन को ढूंढ लेते हैं। इस बार मारा उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि मरे हुए बच्चे को सुजैन ही लेके भागी थी। फिर वो लोग सुजैन को सीक्रेट रूम में ले जाके उसे अपने आप को ख़त्म करने का ऑर्डर देते हैं। कुछ देर बाद पूरा टाउन बांध के बाहर आ जाता है और उन स्पेशल बच्चों को वहाँ से मार भगाना चाहता है, लेकिन ये बच्चे सभी को एक झटके में ही ख़त्म कर देते हैं। एलन और जिल एक जगह मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बच्चे बाकी सभी लोगों को ख़त्म कर देंगे। एलन जिल को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो जिल को एक रूम में बंद करके खुद ही बच्चों से निपटने चले जाता है। वो बांध के अंदर बहुत से एक्सप्लोजिव ला के छिपा देता है। बच्चे अब अपने नए ठिकाने जाने के लिए रेडी है, पर मारा को एक बात पसंद नहीं आ रही। वो एलन का दिमाग नहीं पढ़ पा रही है, क्योंकि एलन ने उससे बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसी वक्त जिल पीछे से आ जाती है और डेविड को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। बाकी बच्चों को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो लोग अभी भी एलन का ब्रेन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फोकस करने के बाद उन्हें सच्चाई का पता चलता है, लेकिन तभी एक्सप्लोजन हो जाता है और सभी वहीं ख़त्म हो जाते हैं। बस डेविड और जिल ही वहाँ से बच के निकल पाते हैं। मूवी के एंड में जिल को डेविड के साथ टाउन से बाहर जाता दिखाया जाता है। उसे पूरी उम्मीद है कि डेविड बाकी बच्चों जैसा नहीं है और वो लोग मिडविथ से बाहर जाके एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं।